कितने बुरे बुरे लोग होते हैं, इतने बुरे बुरे काम करते हैं, क्या उनके साथ बुरा होता है? अगर हम कुछ अच्छा करते हैं, क्या पक्का है कि हमारे साथ कुछ अच्छा होगा? जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि हमने कुछ अच्छा किया तो घूम करके हमारे पास आएगा, हमने कुछ बुरा किया तो घूम करके हमारे, तो कहाँ से घूम के आता है? मतलब कहाँ जाता है? कनॉट प्लेस जाता है, दौलतपुर कहाँ, कैसे आता है घूम करके? मेट्रो से जाता है कैसे? तो उसको हम मिल करके ढूंढने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे? आपको बोलना है कि आपके हिसाब से लॉ ऑफ कर्मा क्या है, किस तरीके से काम करता है, लेकिन शॉर्ट में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरे हिसाब से कर्मा ये है कि जो बंदे को जो लगता है उसने किया है वो उसके हिसाब से सही होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि तुमने मेरे साथ बुरा किया तो तुम्हारे साथ बुरा होगा, ऐसा कुछ मेरे को लगता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेररिस्ट है, उसके हिसाब से उसने सही काम किया, तो क्या वो काम सही है? क्या उसका रिजल्ट सही आएगा उसके पास में? सर उनके हिसाब से तो वो काम सही है ना। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो अगर वो उनके हिसाब से सही है तो क्या वो सही है? नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि आग में कूदना सही है, तो अगर मैं सही सोच करके आग में कूद जाऊं तो क्या वो सही रिजल्ट आएगा? मेरी सोच वहां तक नहीं गई ना, कभी टेररिस्ट बनने की, आग में कूदने की मेरी गई है। जहां तक मेरी सोच गई है, मतलब जो काम हमने किए हैं लाइफ में। हाँ हाँ, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि somebody has done wrong with me, और little bit more, but वो खुश है, मैं ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। तो ये बड़ा मतलब अजीब लगता है कि आई कैन ब्लेम टू समवन, क्योंकि वो तो अपने माइंड से ठीक ही चल रहा होगा या चल रही होगी, बट मैं अपने माइंड में कंफ्यूज रहती हूँ कि भाई ये ठीक है कि नहीं है, मतलब वो रहते ही है माइंड में। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आदमी झूठ बोल करके, फॉर एग्जांपल किसी ने हमको बेवकूफ बना दिया, मैं एक एग्जांपल पकड़ रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा, जस्ट इन जनरल कि किसी ने झूठ बोला, चीज़ों को मैनिपुलेट किया है ना, और आपके साथ में कुछ गलत कर दिया, अब वो बंदा मस्त है अपनी लाइफ में, आप दुखी हो गए, और कब तक के लिए हो गए? ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के लिए हो गए। तो गलत किया किसने और हो किसके साथ रहा है? जो इनोसेंट है, जिसने कोई गलती नहीं करी, वो भुगत रहा है पूरी जिंदगी के लिए। जिसने गलत किया वो मस्त है, वो सोच तक नहीं रहा है उसके बाद, वो तो भूल गया है, यानी वो उसको भूल गया है गलत करके, लेकिन जिसके साथ गलत हुआ वो नहीं भुला पा रहा है। तो भुगत कौन रहा है, जो भूल गया है या जिसको याद है? तो यहां पर क्या आ गया, अंडरस्टैंडिंग आ गई कि अगर हम समझ लें, फॉर एग्जांपल ये आज हम करने की कोशिश करेंगे, समझ लें लॉ ऑफ कर्मा क्या है, ये कैसे काम करता है, किस किस लेवल पे कैसे कैसे काम करता है, अगर ये हमको अच्छे से समझ आ जाए, मतलब हमारे सारे फंडे क्लियर हो जाए, फिर हम एक्शन लें, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि रिजल्ट अच्छा होगा हमारे लिए भी और औरों के लिए भी? 100% ऑलमोस्ट 100%, हाँ, इट कांट बी 100% बिकॉज वी आर थिंकिंग, बट वेरी नियर टू 100%, बट हमको ABCD भी नहीं पता इस लॉ ऑफ कर्मा की, और फिर हम एक्ट करें तब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में ड्राइव कर रहे हो, तो पहले यहाँ के ट्रैफिक रूल्स को आपने अच्छे से समझ लिया कि लेफ्ट साइड में ड्राइव करना है, फिर आप ड्राइव कर रहे हो, तभी एक्सीडेंट तो हो सकता है पर चांसेस बहुत कम है, या ये कह लो इस वजह से एक्सीडेंट नहीं होगा कि सामने से कोई आके टक्कर मार दे, तो यहाँ पे तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन इफ यू ड्राइव अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड द सर्कमस्टांसेस, उसको समझ करके आप ड्राइव करो, तो पॉसिबिलिटी सही एक्शन की बहुत बढ़ गई। वी नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड What this law of karma is all about? क्योंकि इससे important और क्या है life में, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये समझना जरूरी है या नहीं है? So मेरे हिसाब से जो आपका कर्मा या destiny जो है वो कुछ नहीं होता, आप अपने जो believe करते हो या फिर जो आपको कोई और believe करवा देता है, आप उसको ही सच मान के वो चीजें आगे करते हो, आपका believe और दूसरे के believe के according ही आपका कर्मा आगे डिसाइड होता है। So what you're saying is कि जो हमारे beliefs हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि हमको कैसा आउटकम मिलेगा उन एक्शन का जो एक्शन हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बिलीव करा दिया कि आपके सर पे भूत चढ़ गया है, एक्चुअल में नहीं है, मान लिया, लेकिन क्या इस मानने की वजह से आउटकम आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। सर गोल गोल घूमेगा नहीं घूमेगा, बाल बाल ऐसे घूमेंगे नहीं घूमेंगे, हाँ आवाज बदल जाएगी नहीं बदल जाएगी? आप बीमार नहीं हो, लेकिन आपके अंदर एक वहम आ गया कि मैं बीमार हूँ, इस वहम का क्या इलाज है? क्या इसकी वजह से गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होने लग जाएगी। स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा? गड़बड़ मतलब क्या, आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा नहीं आएगा? टेंशन होगी या नहीं होगी? उसकी वजह से बॉडी में गड़बड़ होगी, बीमारी नहीं भी होगी तो कोई और बीमारी पैदा हो जाएगी, बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एट ईज। व्हाट इज डिजीज, कभी सोचा है डिजीज जिसको बीमारी बोलते हैं? डिस ईज। सो ऐसा कुछ भी करोगे जिसकी वजह से यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिजीज। कुछ भी मान लिया, आपके ऊपर टोना टोटका हो गया, मान लिया, और कितना आसान है मनवाना, आपके घर के बाहर आकर के कोई लाल रंग मिला के ये वो करके कुछ अपना मिर्ची पिर्ची नींबू ले करके वहीं जहां से आप निकलते हो अपनी गाड़ी पे, उसके टायरों के दोनों के सामने लगा देना है,
वो फटेगा, पुचुक करके आवाज आएगी, उसके बाद में हो गया आपका काम शुरू। और फिर जहां भी आप जा रहे हो, जैसे ऑफिस में गए, वहां पे आपके बेंच के वहां पे साइड में कोई लाल रंग से, यानी आपको लगेगा खून से लिखा हुआ है, तू नहीं बचेगा बे, जहां भी जा रहे हो यही दिख रहा है, क्या होगा? वॉट लगेगी? नहीं लगेगी, क्या है? बिलीफ ही तो है। फिर चाहे कुछ पॉजिटिव हो चाहे कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव में फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, नेगेटिव में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पकड़ में आई बात? पॉजिटिव में आप मान लो कि मैं तो भाई दुनिया का सबसे अमीर आदमी, मानता रहे, बन गए सबसे अमीर आदमी, बन गए, मानने से बन जाते। मैं इस दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर हूं, मान लिया, बन गए। मैं बीमार हूं बिकॉज ऑफ कुछ अंदर वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, उसकी वजह से आप सोचते रहो नहीं नहीं मैं हेल्दी हूं, मैं हेल्दी हूं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, ठीक हो जाओगे। या उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड गोली खानी पड़ेगी, तो वहां पे एक्शन लेना पड़ेगा ना। मेरी जिंदगी बेकार है, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं पड़ा है, इसमें किस एक्शन की जरूरत है, कौन सी गोली काम आएगी यहां पर? नेगेटिव बिलीफ्स में किसी एक्शन की जरूरत है ना, वो काम अपना अपने आप ही कर देगा। पॉजिटिव बिलीफ के लिए एक्शन की जरूरत है। लॉ ऑफ कर्मा इज व्हाटएवर आई एम टुडे इज लाइक रिजल्ट ऑफ माय एक्शन व्हिच आई टुक इन पास्ट, and whatever I choices I make today, you know, in day to day life, it will result, you know, in something in my future. अब ये एक बड़ा interesting point है यहाँ पे, देखना अब यहाँ पे एक और एक questioning करेंगे, एक और layer बीच में लेकर के आएंगे कि हम कहते हैं कि आज हम जो भी कुछ है वो अपने actions की वजह से है, क्या सच है झूठ है? सच है। अच्छा सच है ये? जबरदस्ती। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, बिकॉज इसीलिए हम कभी भी चीजों को कंप्लीटली नहीं समझते हैं। आपने आज जो भी कुछ किया या आज जो भी आप कुछ हो, क्या सिर्फ अपने एक्शंस की वजह से हो या अपने माँ बाप के एक्शंस की वजह से भी हो? जिस स्कूल में आप गए उनके टीचर्स के एक्शंस की वजह से भी हो, किसी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे आराम से वो चलता हुआ बंदा जा रहा था, यहां से कोई आया गाड़ी में उसको ठोक करके चला गया और उसकी एक टांग नहीं है, क्या उसके अपने एक्शन की वजह से नहीं है? ना उसने लीगली कुछ गलत किया, ना एथिकली, ना मॉरली, किसी भी तरह से कुछ भी गलत नहीं किया, उसने सब कुछ सही किया और उसकी आज ये हालत है कि वो चल तक नहीं सकता है ढंग से, तो क्या वो उसके अपने एक्शन की वजह से? सोचो। हो सकता है उसने अपनी पास्ट लाइफ में, माइक देना एक मिनट इनको, वी बिलीव इन रीबर्थ, सो माइट बी दैट पर्सन मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग इन हिज पास्ट प्रीवियस लाइफ। मैं एक बड़ी मजेदार आपको बात बताता हूँ, जब भी हमारे पास्ट में या सो कॉल्ड हमारे जो गुरु हैं, ज्यादातर गुरु घंटाल होते हैं, ज्यादातर एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, जब भी उनके पास में हमारे पास में किसी सवाल का जवाब नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ को बीच में घुसा देते हैं। ऐसा करते हैं नहीं करते? यस सर, यस सर। क्या आप में से किसी को भी अपना पिछला जन्म याद है? नो सर। हाउ कैन यू से कि वो होता है? क्या हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारे एक्सपीरियंस से बाहर है उसको हम बीच में नहीं घुसेड़ेंगे? साइंस किसके बारे में, जिसको एक्सपीरियंस किया है या जिसके बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया है, ये जो पांच सेंसेस हमारे पास में है, या इन इंस्ट्रूमेंट्स के आगे कोई और इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, जो भी हमारे एक्सपीरियंस में आया उसी के बारे में तो हम कुछ समझ सकते हैं ना। जो हमारे एक्सपीरियंस में ही नहीं है तो वहां पर डिस्कशन करना क्या बेवकूफी नहीं हो गई? टाइम वेस्ट नहीं हो गया? तो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंस में है, जो सबके एक्सपीरियंस में है, बस उसी की बात करेंगे, उसमें से देखेंगे कुछ निकल के आया या नहीं आया। सर रिलीजन की व्यू पॉइंट से देखा जाए अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, तो उसमें अगर वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली तो कुछ चीजें जो प्रूव नहीं कर सकता लाइफ में इंसान, बट गीता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रिबर्थ तो होता ही है अकॉर्डिंग टू कृष्णा, तो वो तो फिर अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। तो हाँ एक मिनट प्लीज हैव अ सीट, हाँ एक बार माइक देना उनको, माइक देना। अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बर्थ अगर देखा जाए, बहुत अच्छे कर्म इस जन्म में कर लिए लेकिन फिर भी वो फकीर है, कोई गरीब है, वो अकॉर्डिंग टू उसके कर्मों की वजह से है। हम कहते हैं यार उसी किस्मत देख कितनी अच्छी है, राजा भोज है एकदम, कितना अच्छा इंसान है, पिछले जन्मों की वजह से है, हाँ, पिछले कर्मों की वजह से। तो अगर किसी लड़की के साथ में कोई रेप हो रहा है तो वो उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से हो रहा है? नो, अगर पिछले जन्मों में उसने कुछ बुरे कर्म किए होते, बुरे कर्म मतलब क्या, बुरे एक्शंस, तो उसमें कुछ बुराई तो नजर आती उस 6 साल की बच्ची में या 8 साल की 10 साल की बच्ची में? कोई बुराई नहीं है, इतनी इनोसेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, जिसको अगर कोई बुरे से बुरा इंसान भी देखे तो उसका दिल पिघल जाए उसको देख करके। उसके साथ बुरा हुआ क्यों हुआ? उसके कुछ बुरे कर्मों की वजह से। उसने कुछ गलत नहीं किया फिर भी उसके साथ गलत हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ? लगाओ दिमाग, किसका कर्म है ये? यहां पे ध्यान से समझ लेना, जो एक करता है
उसका असर सब पे होता है, और जो सब करते हैं उसका असर एक पे होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ उस बंदे की वजह से हुआ, ये जो हमारा लीगल सिस्टम है उसकी वजह से भी हुआ या नहीं हुआ। यस सर। अगर लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि ऐसा कुछ होने की गुंजाइश ही ना हो, तो इस बंदे में हिम्मत कहां से आएगी स्टेप उठाने की? क्या जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल उसमें है या नहीं है? यस सर। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए कभी जाकर के, मैं जाता रहता हूं इसलिए मुझे पता है अंदर की हालत क्या है, वहां जाकर के देखो क्या हालत है वहां। एजुकेशन सिस्टम के खराब होने में क्या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका रोल है या नहीं है? अगर आप कहते हो उसने कुछ बुरे कर्म किए जिसकी वजह से उसके साथ कुछ हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ना तो पॉलिटिशियन को कुछ करने की जरूरत है, ना पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत है। अरे भैया, सबके कर्मों की वजह से तो हो रहा है। आई थिंक हमारी कंट्री, ये जो इतनी बुरी हालत है हमारी कंट्री की, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। हम हर चीज को उठा करके पास पे डाल देते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से हटा देते हैं। जो हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, कर्मों की वजह से हो रहा है। तो अब सवाल उठता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या एक झटके में पूरा का पूरा सिस्टम बदला जा सकता है? नो सर, नहीं बदला जा सकता। अब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है, जो सब करते हैं उसका असर एक पे आता है, जो एक करता है उसका असर सब पे आता है। आप अगर चाहो भी तो क्या सबको बदल सकते हो? अपने आप को बदल सकते हो? यस और नो? यस और नो? तो अगर आपने खुद को बदल दिया है पूरी तरह से, तो अब आप क्या कर रहे हो? आपको देख करके जो और लोग होंगे उनके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? या उनके अंदर भी खुद को बदलने की एक चाह उठेगी या नहीं उठेगी? तो क्या आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूरी दुनिया को नहीं बदल रहे हो? समझ गए मैंने क्या बोला है? यानी अगर आप अपने बच्चों को बोलते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो पहले आप खुद झूठ नहीं बोल रहे हो, या अगर झूठ बोला तो माफी मांग रहे हो उस बच्चे से भी और जो भी लोग आपके आसपास में हैं उन सब से, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बच्चा भी ऐसा कुछ करे। आप खुद सुबह से रात तक झूठ बोल रहे हो और उस बच्चे को सिखा रहे हो झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो गड़बड़ नहीं हो गई? खुद सेल्फिश हो और बच्चे को बोल रहे हो कि नहीं तेरे को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, गड़बड़ नहीं हो गई? फिर वो बड़ा होकर के अपने मां बाप को छोड़ रहा है तो गलत क्या कर रहा है उसमें? आप भी तो ऐसे ही हो, आप भी तो अपने फायदे के लिए औरों का नुकसान करते हो, तो वो भी कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? कड़वी लगेंगी ये बातें सुनने में, सच नहीं है? वैसे तो करेगा जैसे उसने देखा, सच नहीं है? थैंक यू सो मच जी।